नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या 12,500 के पार। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए अपडेट तक 385 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 12,525 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 3, अरवल में 2, बांका में 11, भागलपुर में 26, भोजपुर में 7, बक्सर में 4, दरभंगा में 1, गया में 29, गोपालगंज में 3, जमुई में 2, जहानाबाद में 8, कैमूर में 1, कटिहार में 24, खगड़िया में 2, किशनगंज में 7, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 25, मुंगेर में 30, मुजफ्फरपुर में 15, नालंदा में 2, नवादा में 7, पश्चिम चंपारण में 3, पटना में 56, पूर्वी चंपारण में 11, पूर्णिया में 4, रोहतास में 2, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 8, सारण में 14, शेखपुरा में 10, सीतामढ़ी में 13, सिवान में 19, सुपौल में 21 और वैशाली में 2 मामले सामने आए हैं। वहीं इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए अपडेट के अनुसार कोविड 19 से अब तक 9,338 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 98 लोगों की जान जा चुकी है। मधुबनी के बाद किशनगंज में कोविड 19 के कारण लगाया गया 72 घंटे का लॉकडाउन। मधुबनी जिले के बाद अब बिहार के किशनगंज जिले में भी कोविड 19 के सामुदायिक प्रसार को देखते हुए प्रशासन ने 72 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया है, जो कि बीते दिन से शुरू हो गया है, जिसके संबंध में डीएम आदित्य प्रकाश ने निर्देश जारी कर दिया है। डीएम ने बताया है कि शहरी क्षेत्र में खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके जहां संक्रमण फैलने की आशंका है, वैसे जगहों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही सभी बाजार पर खास नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, सार्वजनिक परिवहन के दौरान मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। भारत नेपाल एक बार फिर आया आमने सामने। भारत और नेपाल के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रही है। काफी बातचीत और गहन विचार विमर्श के बाद नेपाली सरकार ने पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के बलवा के समीप लालबकैया नदी के तटबंध के निर्माण की अनुमति दी थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से इस तटबंध का मामला तुल पकड़ने लगा है। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल प्रशासन अब इस तटबंध को नो मैन्स लैंड पर बनाया हुआ बता रही है, जबकि नेपाल की सहमति के बाद ही इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद दोनों देश के बीच में एक बार फिर से खींचतान की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद नेपाल ने इस तटबंध को हटाने की बात भी कह दी है। आज से इंटर में नामांकन के आवेदन किए जाएंगे स्वीकार। इंटर में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू करवाई जा रही है। आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बोर्ड की जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, छात्रों की सहूलियत को देखते हुए बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट 2020 का इस सत्र में नामांकन के लिए प्रोस्पेक्टस भी जारी कर दिया गया है, जो कि सभी विद्यार्थी आवेदन प्रपत्र और प्रोस्पेक्टस को www.ofssbihar.in पर जाकर देख सकते हैं, साथ ही फॉर्म पढ़कर भर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षार्थियों के केवल मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। बिहार विधान परिषद भवन को 10 जुलाई तक रखा जाएगा बंद। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोविड 19 प्रभावित पाए जाने के बाद बिहार विधान परिषद को 10 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान विधान परिषद भवन को सैनिटाइज करवाने का काम पूरा कर लिया जाएगा, साथ ही मानसून सत्र की तैयारियों से जुड़े लोगों के अतिरिक्त सभी के परिषद भवन में एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, सभापति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों का कोविड 19 जांच भी करवाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 40 लोगों का सैंपल तक लिया जा चुका है। वहीं 3 से 6 अगस्त तक बिहार में मॉनसून सत्र घोषित किया गया है। उससे पहले विधान परिषद को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा। मिड डे मील के बदले छात्रों को मिलेगा अनाज। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान पर ताले लटके हैं, और यही कारण है कि सभी सरकारी स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील भी छात्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मगर अब इनके एवज में सरकार ने सभी छात्रों को मिड डे मील के बजाय अनाज देने का फैसला सुनाया है, जिसके तहत मिड डे मील योजना के जरिए मई, जून और जुलाई के 1 से 5 तक के छात्र को 8 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। वहीं 358 रुपए भी दिए जाएंगे, जबकि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को 12 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा और 536 उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे। दर्जनों लोगों से भरी नाव महानंदा नदी में पलटी। कोविड 19, आकाशीय बिजली समेत तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे बिहारवासियों के सामने एक और परेशानी बीते दिन आकर खड़ी हो गई थी, जब कटिहार में दर्जनों लोगों से भरी एक नाव नदी में पलट गई। बताया जा रहा है कि केलाबाड़ी गांव में के लोग महानंदा नदी के नंदपुर घाट पर नाव से पहुंच रहे थे, तभी बीच में नदी में ही नाव पलट गई। इस नाव में दर्जनों लोग सवार थे, साथ ही बाइक और साइकिल भी लदी हुई थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों की मदद से सबको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इस पूरे वाक्य में किसी के भी प्रभावित नहीं होने की पुष्टि की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी निकली कोविड-19 पॉजिटिव। कोविड-19 का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री के घर तक कोविड-19 ने दस्तक दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी को कोविड-19 संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद उन्हें पटना के एम्स में भर्ती करवाया गया है। इसके पहले जदयू के MLC गुलाम गौस और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बस स्टॉप का करवाया जाएगा निर्माण। ग्रामीण इलाके में लगभग 500 बस स्टॉप का निर्माण करवाया जाना है, जिसके बाद यात्रियों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम चरण में 170 बस स्टॉप निर्माण के लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा सभी जिलों के कुल 3,30,51,000 का आवंटन भी कर दिया गया है और यह जिला में बस स्टॉप निर्माण का काम भी शुरू हो गया है, जिसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वर्तमान में बस स्टॉप की संख्या कम होने की वजह से बस का ठहराव निर्धारित जगह पर नहीं हो पाता है। राजद नेता मनोज झा ने चुनाव आयोग के फैसले पर जताई आपत्ति। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रभावित मतदाताओं को बैलेट पेपर से मतदान करने की अनुमति दे दी थी, जिस पर अब राजद नेता मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग ने यह फैसला लेने से पहले राजद से कोई चर्चा नहीं की है, जबकि हमारी पार्टी बिहार में मुख्य विपक्षी दल है। पोस्टल बैलेट के नियम में जो बदलाव हुए हैं, उससे मतदाताओं की जांच प्रक्रिया में समझौता होने की भी संभावना है, क्योंकि सत्ता दल के अनुसार ही सरकार के हवाले से पोस्टल बैलेट से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी, जो कि ठीक नहीं है। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की गई जान। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच आकाशीय बिजली सभी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। आपदा विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार अलग अलग जिलों में 7 लोगों की जान आकाशीय बिजली गिरने की वजह से चली गई है, जिसमें 3 बेगूसराय के और भागलपुर, मुंगेर, कैमूर और जमुई के एक एक व्यक्ति का नाम शामिल है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। CBSE की 9वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस में की जाएगी 30% की कटौती। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद चल रहे हैं। स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने से छात्रों की पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वहीं अब छात्रों के ऊपर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए CBSE ने अकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए स्कूल के सिलेबस में 30% कटौती करने का फैसला सुनाया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची महुआ। कुछ दिनों पहले अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी समय समय पर सुर्खियों में देखी जाती है, वहीं आजकल घूम घूम कर वो सरकार की नाकामियां भी गिनवा रही हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी महुआ पहुंच गई थी, जहां पहुंचकर उन्होंने महुआ विधानसभा वैशाली क्षेत्र के युवा जयप्रकाश के काम की सराहना की है। महुआ में युवा जयप्रकाश बिहारी जी 12 साल की उम्र से अवार्ड विनिंग मूर्तिकार है, लेकिन राज्य सरकार से कोई प्रोत्साहन नहीं, उचित दाम नहीं, ना ही मार्केट लिंकेज। कला की गरिमा की तो बात ही नहीं है। इस शानदार मिनिएचर स्ट्रक्चर की कला देखिए, बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर यह विदेश में होते तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होते। दिल बेचारा के ट्रेलर रिलीज के बाद सुष्मिता और माधुरी दीक्षित ने सुशांत सिंह राजपूत को किया याद। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके बाद सुष्मिता सेन और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित दोनों ने उन्हें याद किया है, जिसके तहत सुष्मिता सेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पर्सनली मैं सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानती, केवल उनकी फिल्मों और कुछ इंटरव्यू के जरिए ही जानती हूँ। वो ऑन एंड ऑफ स्क्रीन काफी समझदार और इंटेलिजेंट है। मुझे लगता है कि मैं उसे अब बेहतर जानती हूँ। सब उनके फैंस के कारण आप सबका इतना प्यार पाकर वो धन्य हो गए हैं। वहीं माधुरी दीक्षित ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मैंने देखा दिल बेचारा का ट्रेलर और सुशांत ने अपनी मुस्कान के साथ मेरे दिल को फिर से छू दिया है। जब भी मैं उनसे मिलती थी तो वो उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी और मैं हमेशा उन्हें इसी तरह याद रखूंगी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियों में जुटे चिराग पासवान। जदयू द्वारा 243 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने की नसीहत को चिराग पासवान ने गंभीरता से ले लिया है और यही कारण है कि उन्होंने अब 243 सीटों पर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे के कई मायने लगाए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो चिराग पासवान हर सीट पर तैयारी करके जदयू भाजपा के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, या फिर गठबंधन से अलग होकर वो अकेले सभी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने इस बाबत या फिर लोजपा पार्टी की तरफ से किसी भी अधिकारी ने इस बात पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। IGIMS का माइक्रोबायोलॉजी लैब 9 जुलाई तक रहेगा बंद। IGIMS के निदेशक समेत कई कर्मचारियों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 9 जुलाई तक IGIMS के माइक्रोबायोलॉजी लैब को बंद रखने का फैसला सुनाया गया है। अधिकारियों की माने तो विभाग में कोविड-19 मिलने के बाद संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस माइक्रोबायोलॉजी लैब में हर दिन 1500 सैंपल की जाँच की जाती थी।
नेपाल ने बिहार को संभावित बाढ़ के लिए किया सचेत। नेपाल के आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण नेपाल ने बिहार को सतर्क रहने की नसीहत दी है। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के अधिकारियों ने 10 से 15 जुलाई के बीच में बिहार के कई जिलों में बाढ़ आने की संभावना जताई है, जिसके लिए नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मौसम विभाग की सूचना के अनुसार नेपाल में मानसून सक्रिय है। लगातार भारी बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है, इसीलिए 10 से 15 जुलाई तक बाढ़ आने की संभावना काफी ज्यादा है। बिहार के पुलिस महकमे में हुआ बड़ा तबादला। बिहार के पुलिस महकमे में बीते दिन बड़ा तबादला देखने को मिला है, जिसके तहत 3 साल से एक ही स्थान पर काम कर रहे 40 दरोगा और जमादार का तबादला कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले ही 3 साल से एक ही स्थान पर डटे पुलिसकर्मियों को हटाने की बात कही थी। वित्त विभाग ने ट्रांसफर के सभी पुलिस अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। बेलगाम बढ़ रहे कोविड 19 प्रभावितों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया अहम फैसला। बिहार में कोविड 19 के मामलों में बेलगाम बढ़ोतरी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत सरकार ने यह तय किया है कि अब कोविड 19 संक्रमित मरीजों के होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उमेश सिंह कुमावत ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे मरीज जिनके पास बेहतर आइसोलेशन की सुविधा हो उन्हें इसकी इजाजत दी जाएगी, जिसके लिए जिलों के डीएम के पास यह अधिकार होगा कि वो मरीज को आइसोलेशन सेंटर में भेजना चाहते हैं या फिर होम आइसोलेशन में कौन सा विकल्प देते हैं। तेजस्वी यादव ने किया संन्यास का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। भाजपा और राजद लगातार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने बीते दिन सुशील कुमार मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि सफेद झूठ और गुमराह करना आपका व्यक्तित्व और खानदानी संस्कृति रही है। चुनौती है कि आप अगर साबित करें कि 7 मार्च से 7 जुलाई तक किसी भी दिन 9000 जांच हुई हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वरना आप ले लेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह पूरा मामला कोरोना के जांच से जुड़ा हुआ है, जहां पर सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि रोजाना 9000 से ज्यादा सैंपल की जांच करवाई जा रही है। यशवंत सिन्हा ने पटना से शुरू की अपनी बदलो बिहार मुहिम। भाजपा के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने बीते दिन राजधानी पटना से बदलो बिहार मुहिम की शुरुआत की है, जिसके बाद उनका पहला पड़ाव जहानाबाद होने वाला है। जहानाबाद के बाद वो बोधगया, सासाराम, भभुआ, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों का दौरा कर पटना वापस लौटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद सरकार विकास नहीं कर पाई है, इसलिए बिहार में बदलाव की जरूरत है। जगदानंद सिंह ने चुनावी रणनीति को सार्वजनिक नहीं करने की कही बात। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, वहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में राजद पार्टी भी तैयारियों का दौर शुरू कर चुकी है। इसी बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि वो पार्टी की चुनावी रणनीति और तेजस्वी यादव के जनसंपर्क मुहिम की रणनीति सार्वजनिक नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने डिजिटल रैली को बेकार की कवायद भी बताया है। साक्षी ने महेंद्र सिंह धोनी को रोमांटिक अंदाज में बर्थडे की दी बधाई। बीते दिन महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन था, वहीं उनके जन्मदिन के मौके पर वर्तमान कप्तान विराट कोहली से लेकर खेल जगत के सभी खिलाड़ियों ने उन्हें खूब सारी शुभकामनाएं भी दी। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने भी अनोखे अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी को बधाई दी है। साक्षी ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि आज अपने जन्मदिन पर तुम्हें 1 साल और बड़े हो गए हो, बाल थोड़े और सफेद हो गए हैं, तुम और स्मार्ट और प्यारे हो गए हो, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो शुभकामनाओं और गिफ्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते, तो चलो तुम्हारे जीवन के 1 और साल का हम केक काटकर और कैंडल के साथ जश्न मनाते हैं। गूगल ने लॉन्च किया डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के लिए नया ऐप। गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को दोबारा से रीलॉन्च कर दिया है, जिसे गूगल ने गूगल करेंट्स का नाम दिया है, जो कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, मगर अभी इस ऐप का इस्तेमाल सिर्फ इंटरप्राइज कस्टमर ही कर सकते हैं। सभी यूजर के लिए यह ऐप जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस ऐप के माध्यम से यूजर अपने ऑफिस के कलीग से कनेक्ट कर सकेंगे, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज कर सकेंगे, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज की भी जानकारी यूजर को मिल जाएगी। फिल्म और सीरियल की रिकॉर्डिंग का काम जल्द हो सकता है शुरू। इसके संकेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दे दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड 19 के मद्देनजर केंद्र सरकार भारत में फिल्मों की रिकॉर्डिंग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लेकर आने वाली है, जिससे फिल्म निर्माण की गति मिलेगी और साथ ही फिल्म निर्माण को गति देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। मीडिया और मनोरंजन भारत में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म निर्माण का जो भी काम कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण रुक गया है वो अब शुरू किया जा सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए
सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है काजल कुमारी, सिमरन कुमारी, रीना कुमारी, सोनू यादव, जयराम चौहान, हेमंत हमेशा, मीना कार्टून, गुलशन कुमार, नंदलाल प्रसाद, सुरेश कुमार, गुड्डू कुमार, एसबी सिंह, सुरुचि सुमन, अशोक यादव, आलोक कुमार, राकेश कुमार, रुपेश कुमार, गणेश कुमार, नितेश कुमार, मोहम्मद आबिद अंसारी, मनीष कुमार, ब्रिजेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कोविड 19 के इस माहौल में चुनाव का आयोजन नहीं करवाने की मांग से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।